क्या डायबिटीज मधुमेह एक पारिवारिक बीमारी है, तो उसका उत्तर बहुत ही कॉम्प्लेक्स या जटिल रहेगा। कुछ तरह के डायबिटीज या मधुमेह होते हैं जो जीनेटिक या तो जीन्स से अनुवांशिक कारणों से होते हैं। ऐसे मधुमेह का प्रोपोर्शन या अनुपात 10-15% तक हो सकता है। उसके अलावा पारिवारिक रूप से जो जीवन शैली, खान पान या एक्सरसाइज नहीं करना, यह चीज़ें हैं, ये भी माना जा रहा है कि अनुवांशिक है। इस तरह से हमको परिवार में मधुमेह के रोगी देखने को मिलते हैं और अक्सर एक परिवार के मधुमेह रोगियों का ट्रीटमेंट भी एक जैसा ही होता है। तो इसमें से बहुत जो कारण है उसका शायद ये है कि कुछ जीन्स कुछ करते हैं, मधुमेह करते हैं, उससे वही दवाई देने से ठीक हो जाता है। अगली पीढ़ी में किस तरह से डायबिटीज़ या मधुमेह को रोका जाए, तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है। अगली पीढ़ी में डायबिटीज़, जैसे कि हम जानते हैं, जीवन शैली से संबंधित बीमारी जीवन शैली से आता है, तो हमें बच्चों में जब वो छोटे होते हैं तब ऐसी जीवन शैली की आदत डालें जो स्वस्थता या स्वास्थ्य को बढ़ावा दे, अच्छे स्वास्थ्य को। ऐसी जीवन शैली में शामिल है अच्छे सुबह शाम खेलकूद करना, जंक फूड्स या फास्ट फूड का सेवन न करना, और मिठाई खासतौर पर जिस स्वीट्स या चॉकलेट्स बच्चे इतना खाते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करना, और स्क्रीन टाइम या फिर मोबाइल, टीवी या इंटरनेट की आदत कम रखना, यह शामिल है। ऐसे में स्कूलों की भी भूमिका हो सकती है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर समय बच्चे स्कूल में व्यतीत करते हैं। परिवार की क्या भूमिका होती है मधुमेह रोगी के ट्रीटमेंट में या फिर मैनेजमेंट में, तो जैसे हम जानते हैं कि हर व्यक्ति परिवार से जुड़ा हुआ होता है, और इस बार तो वर्ल्ड डायबिटीज डे का जो थीम था वह भी परिवार से संबंधित ही था। परिवार के लोग अक्सर खाने पीने में परिवार के लोग एक ही चीज़ का सेवन करते हैं, एक ही खाना खाया जाता है, तो अगर परिवार में कम वसा या फिर कम तेल वाला या फिर डायबिटीज़ के अनुकूल ऐसा खाने की आदत सब लोग डाल लें, तो इससे डायबिटीज़ मरीज को यह नहीं लगता कि वह अलग है। दूसरी चीज जो योगासन या फिर एक्सरसाइज है, वह भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि परिवार में जब माता पिता कोई खेल खेलते हैं या खेल कूद करते हैं तो बच्चे भी वही करते हैं, तो ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी भी परिवार ऐसी चीज़ों को, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दे सकता है। मधुमेह संबंधित आपातकालीन स्थितियाँ क्या हो सकती हैं, इस अक्सर ऐसा देखा गया है कि डायबिटिक कीटोसिस या कीटोसिस जो है वो जो सबसे महत्वपूर्ण आपातकालीन स्थिति है डायबिटीज़ की, इसे बहुत ही अच्छे से या फिर बहुत ही सरलता से रोका जा सकता है। और ऐसे इसकी सिम्टम्स जो हैं डायबिटिक कीटोसिस के, वह हैं उल्टी होना, पेट दर्द होना या बुखार आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना। ये ऐसे व्यक्ति में होता है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन की जिनको ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति जो इंसुलिन लगाते हैं या इंसुलिन जो काफ़ी ज़्यादा दिन सालों से उनको डायबिटीज़ है, उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि कभी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो कीटो स्टिक से कीटो पेशाब की जांच करके पकड़ा जा सकता है। उसी आपातकालीन स्थिति टाइप 2 डायबिटीज़ में इन्फेक्शंस की होती है, ये पैर का भी हो सकता है और यह छाती का, पेट का, किसी भी जगह का हो सकता है।